आज हम लोग कुछ प्लांट्स की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। मैंने दो प्लांट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं ये अमेज़ॉन से ख़रीदे थे, लेकिन ये कोई ऑर्डनरी प्लांट्स नहीं है, ये नॉर्मल प्लांट्स नहीं है, ये बॉन्ज़ाई हैं। तो इन दोनों को मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था और हम देखेंगे कि कैसे ये प्लांट्स निकलते हैं और क्या मैं रेकमेंड आपको करूँगा कि आप अमेज़ॉन से बॉन्ज़ाई वगैरह ख़रीदें। तो इस आंसर के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो ये जो मैंने प्लांट्स ख़रीदे हैं ये फाइकस की बॉन्ज़ाई है और ये करीबन 5 साल पुराने प्लांट्स हैं। तो सबसे पहले इनकी पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। पैकेजिंग मुझे इनकी अच्छी लगी, ये कार्डबोर्ड की काफ़ी थिक क्वालिटी का कार्डबोर्ड है जिनके अंदर इसकी पैकेजिंग होके आई है और उसके ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है कि अपसाइड डाउन, ताकि प्लांट ना हो जाए कि कौन सी तरफ प्लांट ऊपर है कौन सी तरफ नीचे है। लेकिन फिर भी आपको शिपिंग का पता है कि शिपिंग के टाइम पे कोई इसे ध्यान से नहीं देखने वाला और वो उठा उठा के फेंकते हैं चीज़ों को। तो लेकिन उसके बावजूद भी अभी ऊपर से देखने में मुझे प्लांट ठीक ठाक नज़र आ रहा है। इसको पूरी तरह से खोल के देखते हैं कि क्या हालत इसकी निकलती है क्या नहीं। तो प्राइस की बात करें तो ये जो बॉन्ज़ाई है ये मैंने अमेज़ॉन पे 900 के आसपास इसका प्राइस था जब मैंने ये लिया था, और इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और ये जो प्लांट है इसके ऊपर कोई भी, इन्होंने जो है अंदर थर्माकोल से चारों तरफ पूरा सपोर्ट इसकी दी हुई थी, लेकिन कोई भी रस्सियों से इसको बांधा नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने काफ़ी बार ऑनलाइन प्लांट्स मंगवाए हुए हैं तो वो रस्सी से प्लांट को अच्छी तरह से फिक्स कर देते हैं ताकि प्लांट अपसाइड डाउन होकर टूटे ना, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया हुआ था। लेकिन फिर भी प्लांट की कंडीशन जो है मुझे ठीक नज़र आ रही है, कोई भी प्लांट टूटा हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो ये देख सकते हैं प्लांट को अच्छी तरह से चारों तरफ इन्होंने प्लास्टिक से इसे कवर करा हुआ है ताकि इसमें से मॉइस्चर जो है आसानी से उड़े ना। ट्रांजिट टाइम इसका बहुत ज़्यादा नहीं था, ये मेरे घर में जो है करीबन 7 दिन के अंदर ये मुझे मिल गया था। तो इन्होंने अच्छी तरह से चारों तरफ इसे प्लास्टिक से रैप करा हुआ है और छोटा सा एक सिरेमिक का पॉट भी है इसके अंदर। तो ये तो है हमारी पहली बॉन्ज़ाई की अनबॉक्सिंग, और आप देख सकते हैं कि जो ये जो प्लांट है इसका ट्रंक काफ़ी डेवलप्ड है, काफ़ी थिक ट्रंक इसका मिला है मुझे, छोटे से सिरेमिक के पॉट में ये है। और इसकी मिट्टी आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर कोको फाइबर चंक्स डले हुए हैं ताकि इस प्लांट की जो मिट्टी है वो जल्दी से सूखे ना। और आप खुद देखिए और खुद मुझे ऑब्जर्व करके कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि क्या आपको उसकी शेप अच्छी लग रही है इस प्लांट की, और क्या आपको इस ये प्लांट कैसा लग रहा है। तो ये खुद ही आप मुझे लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में। तो बॉन्ज़ाई जो है, बॉन्ज़ाई हमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ सिखाती है, बॉन्ज़ाई हमें पेशेंस सिखाती है, क्योंकि बॉन्ज़ाई जो है जितना ज़्यादा आपकी बॉन्ज़ाई में टाइम कलेक्ट करेगी, जितनी ज़्यादा बॉन्ज़ाई, जितना ज़्यादा प्लांट आपका पुराना होगा उतना ही ज़्यादा वो सुंदर लगेगा। तो ये भी जो प्लांट है आपको हमेशा बॉन्ज़ाई को शैलो पॉट्स में ही रखना है, डीप पॉट्स के अंदर बड़े गमलों में आपने बिल्कुल भी बॉन्ज़ाई को नहीं लगा। और पूरी बॉन्ज़ाई के एयर पर भी वीडियो मेरी जल्दी ही आने वाली है। और दूसरे प्लांट की अब हम बात कर लेते हैं, दूसरे प्लांट को देखते हैं कि क्या उसकी कंडीशन क्या है। तो जो दूसरा प्लांट है हमारा वो भी बिल्कुल सिमिलर पैकिंग में है, बिल्कुल सिमिलरली पैक किया हुआ है, अच्छी तरह से पैकिंग है और प्लांट बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है ट्रांजिट में। और इसकी बस शेप में थोड़ा डिफरेंस है दूसरे प्लांट से, दोनों ही फाइकस की बॉन्ज़ाई हैं। इसका शेप जो है थोड़ी अपराइट लग रही है दूसरे वाले प्लांट की, और जो पहले वाला मैंने आपको दिखाया था वो एक तरफ लीन कर रहा था। ट्रंक जो है दोनों का ही अच्छी तरह डेवलप लग रहा है, जितना ज़्यादा हम इसे टाइम देंगे और शैलो पॉट्स में लगाएंगे उतना ज़्यादा ये सुंदर लगेगा ओवर टाइम। तो देख सकते हैं पॉट का कलर थोड़ा सा अलग है, इसका जो सिरेमिक पॉट है वो सफ़ेद रंग का है, और जो पहले वाली बॉन्ज़ाई मैंने आपके साथ शेयर की उसका जो पॉट था वो ब्लैक कलर में आया था। इसके अलावा एक छोटा सा डेकोरेटिव स्टैचू भी मुझे मिला है इस प्लांट के अंदर। तो ये तो थे दोनों प्लांट्स और इनकी अनबॉक्सिंग आपने देखी, और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए किस प्लांट की शेप आपको ज़्यादा पसंद आई, या फिर किसी भी प्लांट की शेप आपको पसंद नहीं आ रही है, या फिर दोनों प्लांट्स की शेप आपको पसंद आई, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए। तो ये प्लांट्स काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद मेरे पास पहुँचे हैं और इनकी मिट्टी जो है अभी भी गीली है, तो इसलिए मैं इनको वाटरिंग नहीं करूँगा इस समय, मैं पानी नहीं दूंगा इनमें, और इनको मैं कुछ दिन तक 3-4 दिन तक छाया में ही रखूँगा, उसके बाद धीरे धीरे इन्हें हम धूप की तरफ शिफ्ट करेंगे। और पानी इन्हें बिल्कुल देख के देना है बॉन्ज़ाई को, क्योंकि उसका जो ट्रंक है वो गल सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग करेंगे, और वैसे भी अभी तो बारिश का टाइम चल रहा है। तो ये तो थी एक अनबॉक्सिंग वीडियो बॉन्ज़ाई प्लांट्स की। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको आज की वीडियो। और आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और गार्डनिंग करते रहिए।